देखते रहिए UVN0 एट गुना से योगेश लोधा की बड़ी खबर आ रही है। नमकीन फैक्ट्री पर बुधवार को SDM के नेतृत्व में राजस्व ने कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में उन्होंने रतलामी फैक्ट्री पर मानक स्तर का नहीं होने और उनमें गुणवत्ता नहीं पाए जाने पर फैक्ट्री को सील किया गया। दरअसल छापामार कार्रवाई मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार SDM शिवानी गर्ग के नेतृत्व में समस्त राजस्व अमले के साथ की जा रही है। रतलामी फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई में रतलामी नमकीन उद्योग पर मानक स्तर का न होकर तेल, मिर्च, पोहा एवं अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया में निम्न गुणवत्ता के होने पर यह सैंपल लिए गए, जिनमें नमकीन, तेल, बेसन आदि तमाम खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद फैक्ट्री में रखे हुए पदार्थ एवं फैक्ट्री में निर्मित भाग सील किया गया। यहाँ मिलावटखोरी और भी ज्यादा छापामार कार्रवाई के दौरान पास में ही स्थित एक नमकीन फैक्ट्री पर अलग अलग कई नामों के नमकीन पैकेट निकाले जा रहे थे, जिनमें घटिया स्तर का तेल और चने के आटे की जगह सोयाबीन का आटा मिलाया हुआ पाया गया। अलग अलग नमकीन के प्रोडक्ट क्रमशः गणेश, बालाजी, राहुल, स्वाद आदि नमकीन के पैकेट मिले। वहीं इसमें मिलाने वाली सामग्री जैसे सार्टिक पाउडर, काला नमक, मिर्च, नमक, तेल और चिप्स में फफूंद लगी मिर्च उपयोग किया जा रहा था, जिनके सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील किया गया। देखते रहिए UVN08, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मामला में जो मसाला फैक्ट्री में कार्रवाई, जो मसाला फैक्ट्री है यहाँ पे बताया गया है कि किसी मोहित जैन के नाम से है। पूर्व में ये माता दीन के नाम से आवंटित की गई थी, इनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दी गई है। यहाँ पर मसाला बनाने की फैक्ट्री संचालित है, जहाँ से नॉन एडिबल कलर आइटम्स को बरामद किया गया है, जो हल्दी और धनिया मिलाने वाले कलर आइटम्स मिले हुए हैं। इनके द्वारा डंठल आदि से ही धनिया का निर्माण किया जा रहा था, जिसको जब्त कर लिया गया है और फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। मैडम, ये कार्रवाई की जाएगी? इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा उनके न्यायालय से कार्रवाई की जाएगी। गोडाउन को सील किया गया? जी, गोडाउन को सील किया जा रहा है। मैडम, सर चावल की मात्रा भी कुछ पाई गई है? जी, अभी प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे चावल बरामद हुआ है वो PDS का मालूम होता है, उसका सैंपल लिया गया है, उसकी जांच करवाई जाएगी, उसके उपरांत उनकी पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है इसके बगल में एक गोदाम और भी है जिसमें माल काफ़ी भरा हुआ है, जिसमें ताला लगा हुआ है। जी, कार्रवाई निरंतर जारी है, एक के बाद एक सभी पर जिनकी शिकायतें हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।